नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने डोभी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान दो वाहनों से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की है। वहीं चार शराब कारोबारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी में कल कुछ गुप्त सूचनाएं मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध शराब एवं स्प्रिट झारखंड से बिहार आ रहा है। मैं अपने नेतृत्व में श्री ओम प्रकाश कुमार, अवर निरीक्षक शेरघाटी के साथ छापामार दल में झिरझा पुल के पास, जो डोभी थाना में पड़ता है, वहाँ पर वाहनों का जांच शुरू करवाया गया था। इसी क्रम में एक डाक पार्सल लिखा हुआ 407 पिकअप वाहन को रोका गया, शक के आधार पर रोका गया, जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर उसमें लगभग 110 कार्टून अवैध विदेशी शराब पाया गया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत एसटीपीओ गणपति ठाकुर ने जिले में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए क्राइम बैठक की। बैठक में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही लंबित मामलों पर जल्द कार्रवाई की बात कही। इसमें जो मुख्यालय से बड़े पदाधिकारियों का जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है, उस निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। कांड निष्पादन हेतु जो भी कांड लक्षित है, जो कांड लक्ष्य दिया गया, लक्ष्य निर्धारित किया गया, उस सभी कांडों का निष्पादन संध्या रात्रि दिवा गश्ती चेकिंग, बहुत सारे थानाओं को बीट में बांटा गया है, वो सभी बीट वालों पर बीट के पदाधिकारी हैं, उन पर निगरानी रखने हेतु शराब तस्कर एवं मद्य निषेध से संबंधित जितने भी अवांछित और वांछित जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी को गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी के बेनीपट्टी वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब दंत चिकित्सा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीएचसी में दंत चिकित्सकों से संबंधित मशीन इंस्टॉल की कार्रवाई की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। बेनीपट्टी जनता के लिए बहुत अच्छी खबर है, और डेंटल चेयर जो पालपुर में आया हुआ था उसको आज इंस्टॉल किया जा रहा है, और इस सप्ताह में हम लोग कोशिश कराएंगे कि जब जो भी सुविधा डेंटल चेयर से उपलब्ध हो है उसको हम लोग आम जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। बिहटा में लव मैरिज करने के बाद भी दहेज लोभियों ने बहू की गला दबाकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि घटना के संबंध में महिनावा निवासी मृतक के पिता पंकज कुमार ने बताया कि दहेज के रकम की राशि नहीं मिलने से नाराज होकर ससुराल वालों ने उनकी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छोड़कर फरार हो गए। वहीं संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जाँच में जुट गई है। जैसे कि दहेज के लिए ज़्यादा प्रस्ताव किया जाता था, 3 लाख 4 लाख रुपया के लिए हमेशा टॉर्चर किया जाता था, और उसके बाद उन्हें लड़ाई झगड़ा करके वो लोग फांसी लगा दिया। तारापुर राम स्मारक कॉलेज में 8 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिन से छात्र और छात्राएं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज उसी को लेकर छात्र क्रोधित होकर तारापुर प्रिंसिपल को ग्रिल के अंदर बंद कर दिया और सभी स्टाफ को अंदर से लॉक कर नारेबाजी करते रहे। अब हमारे महाविद्यालय के परिवार के सहयोग से कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर स्थित जिला पंजीकरण सह परामर्श केंद्र के सभागार में जिला स्तरीय जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी विषय पर परिचर्चा की गई, जिसमें तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार डीडीसी एवं मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी समेत जिले अपर महासमर्थता और आम आवाम शामिल हुए। तो सभी
आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी रंजन झा के हम लोग के साथ यहाँ पे पटना से प्रसारण किए हैं जल जीवन हरियाली का, मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ। हम लोग सारे पदाधिकारी के साथ, हमारे DDC सर थे और हमारे कमिश्नर साहब थे, हम लोग जनप्रतिनिधि और सारे जनता के बीच में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली का आज प्रसारण हुआ है उनका। मधुबनी के लोखे प्रखंड के अरनामा बॉर्डर के समीप ग्रामीणों ने एक हिरण को देखा, जिसके बाद लोगों में खलबली मच गई। लोगों ने हिरण को पकड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने कैसे भी करके हिरण को पकड़ लिया। और इस वक्त के बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।